और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं। दोनों ही तरफ की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा की 2 सीटें खाली हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, बीजेपी और कांग्रेस ने खोले पत्ते। कृष्णलाल पवार और अजय माकन को टिकट। राजस्थान से सुरजेवाला की राज्यसभा में एंट्री। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार घोषित किया है। कृष्णलाल पवार पानीपत जिले की सुराना विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी में फिलहाल उनके पास अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम का कार्यकाल पूरा होने पर उनके स्थान पर दलित चेहरे को ही राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रदेश नेताओं की आपसी कलह से बचने के लिए बाहरी नेता अजय माकन को कैंडिडेट बनाया। अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गांधी परिवार के नजदीकियों में शामिल हैं। अजय माकन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और रणनीतिकारों में हैं, और पंजाब में हरियाणा में ये महसूस किया जा रहा था कि पंजाबी वर्ग को हम जितना महत्व देना चाहते हैं उतना नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमने यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी पंजाबी बनाया पंजाबी वर्ग से। पर लेकिन इससे भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वर्ग या ये जो समुदाय है संतुष्ट नहीं है। तो अजय माकन जी के वहाँ जाने से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और पुनः जो है इस वर्ग को कांग्रेस के प्रति विश्वास स्थापित करेगा, कांग्रेस के प्रति आस्था इस वर्ग की ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी वृद्धि होगी ऐसा मेरा। हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजकर सबको चौंका दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए 31 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। कुल 90 विधायकों में भाजपा के पास 40 और 10 जजपा और 7 निर्दलीय का समर्थन है। हालांकि कांग्रेस के पास 31 विधायक है, 1 निलो और 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंज ने अभी अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।